चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने सूर्य पर भेजे मिशन सूर्ययान यानी आदित्य L1 को सूर्य पर रिसर्च के लिए लॉन्च किया है। आदित्य L1 बेहद चुस्त दुरुस्त स्थिति में अपनी यात्रा कर रहा है। अभी वो 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ 4 बार ऑर्बिट बदलेगा। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 5 सितंबर की रात 3 बजे होगी। एक बार आदित्य अपने तय स्थान पर पहुंच जाए यानी L1 तक पहुंच जाएगा, तब वो हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा। ये तस्वीरें आदित्य में लगा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC लेगा। माना जा रहा है कि पहली तस्वीर फरवरी या मार्च में मिलेगी। VELC को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। इस पेलोड में लगा कैमरा सूरज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदला जा रहा है ताकि वो इतनी गति हासिल कर ले कि वो 15 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा को पूरा कर सके। ये यात्रा पूरी करने के बाद जब आदित्य L1 पर पहुंच जाएगा तब उसके सारे पेलोड्स ऑन किए जाएंगे, यानी इसमें जितने भी यंत्र लगे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। वो सूरज की स्टडी भी शुरू कर देगा। 5 साल का मिशन, उम्मीद 10 से 15 साल की। वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन को 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन अगर ये सही सलामत रहा तो ये 10 से 15 साल तक काम कर सकता है। सूरज से रिलेटेड डेटा भेज सकता है, लेकिन इसके लिए उससे पहले L1 पर पहुंचना जरूरी है, साथ ही सुरक्षित रहना भी। अब सवाल ये उठता है कि लैरेंज पॉइंट क्या है। ये अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जो धरती और सूरज के बीच सीधी रेखा में पड़ती है। धरती से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। सूरज और धरती की अपनी अपनी ग्रेविटी है। L1 पॉइंट पर ही इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा दिन काम करता है। L1 सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर। सूरज की धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। बता दें कि आदित्य L1 और तूफानों के आने की वजह सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, जैसे तमाम रहस्यों का पता लगाएगा। ऐसे में सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास कितना कारगर साबित होता है ये देखना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।